हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी है इजी वेयर लर्निंग इज फन। और मैं हूं आपकी दोस्त संहिता सरकार। डू यू नो दैट ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स का मतलब क्या है, तो आइए जानते हैं। एक ट्रिलियन इज इक्वल टू, और वी कैन से वन ट्रिलियन इज इक्वल टू वन इंटू 10^12। यानी कि एक के पीछे अगर हम 12 शून्य बिठाएं या फिर 12 जीरोस बिठाएं तो हमको 1 ट्रिलियन मिलेगा। एंड आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। तो इससे आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि हमारी बॉडी में कितनी संख्या में सेल पाए जाते हैं। इससे पहले कि हम सेल के बारे में जाने, पहले आप मुझे बताइए कि आपने बचपन में पजल गेम्स खेला है कि नहीं। बहुत ही मजेदार गेम है, मैं तो बचपन में बहुत खेला करती थी। इस गेम में क्या होता है कि पजल पीसेस की मदद से हम एक पजल पिक्चर को कंप्लीट करते हैं। अगर सारे पजल पीसेस को हम ज्वाइन नहीं कर पाए तो पिक्चर इनकम्प्लीट रह जाता है। अच्छा, आपने अगर पजल गेम नहीं खेला है तो आपने किसी घर को बनते हुए तो जरूर देखा होगा। घर कैसे बनाया जाता है? ब्रिक्स को जोड़ जोड़ कर, यानी कि ईंटों को जोड़ जोड़ कर हम पहले क्या करते हैं, वॉल्स बनाते हैं। वॉल्स को जोड़ जोड़ कर हम क्या बनाते हैं, रूम्स बनाते हैं। और रूम्स को ऐड करके ही हमें एक घर मिलता है। तो अगर ईंट ना रहे, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर ब्रिक्स ना रहे, तो हम एक बड़ा सा बिल्डिंग कभी भी तैयार नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली ह्यूमन बॉडी और अ बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कम्पोज्ड ऑफ टाइनी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेल। तो अगर हम सेल को डिफाइन करना चाहे तो हम कह सकते हैं कि सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जो डेफिनेशंस है वो याद करने में थोड़ा दिक्कत होता है हर स्टूडेंट्स को। तो अगर हम डेफिनेशंस को थोड़ा समझने की कोशिश करें तो डेफिनेशन बहुत ही आसानी से याद हो जाता है। तो सेल के डेफिनेशन में हमको जो दो वर्ड है उस पर बहुत ही अच्छी तरह से फोकस करना है, जो कि है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। सेल को हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स क्यों कहते हैं, आइए थोड़ा विस्तार से जानें। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जो ब्रिक्स है उनको जोड़ जोड़ कर हम क्या बनाते हैं, दीवार बनाते हैं, यानी कि वॉल्स बनाते हैं। और वॉल्स को जोड़ जोड़ कर हम क्या बनाते हैं, रूम्स बनाते हैं। और रूम्स को ऐड करें तो एक घर बनता है, यानी कि हाउस बनता है। सिमिलरली अ ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म टिश्यूज, टिश्यूज फॉर्म्स एन ऑर्गन, एंड ऑर्गन फॉर्म्स एन ऑर्गन सिस्टम। और उसके बाद जो ऑर्गन सिस्टम है वो मिलकर बनाता है एक इंडिविजुअल। तो अगर हम एक एग्जांपल देखें तो ये आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। जैसे कि जो लंग्स में सेल पाए जाते हैं, तो लंग्स के जो सेल का ग्रुप है उनको मिलाकर क्या बनेगा, टिश्यूज ऑफ लंग। टिश्यूज ऑफ लंग मिलकर क्या बनाएंगे, जो ऑर्गन यानी कि लंग को बनाएंगे। फिर लंग से जो ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। और आपको पता ही है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम किस काम में आता है, हमारे ब्रीदिंग प्रोसेस में काम आता है। और इसी तरह के जो विभिन्न ऑर्गन सिस्टम है, लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्रीन सिस्टम, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, एक इंडिविजुअल को बनाते हैं। तो इससे पता चल ही रहा है कि जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी कि जो सेल है, अगर सेल नहीं रहेंगे तो इसके बाद के जो सिस्टम है या जो इसके जो स्टेप्स है वो कंप्लीट नहीं होंगे। जैसे कि पजल पीसेस के बिना पजल पिक्चर अधूरा है, ब्रिक्स के बिना घर बन नहीं सकता, सिमिलरली सेल्स के बिना एक इंडिविजुअल नहीं बन सकता। इसीलिए सेल को बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन इंडिविजुअल कहा जाता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों कहा जाता है। सेल परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस लाइक रेस्पिरेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस एटसेट्रा। इंडिविजुअल फंक्शनिंग ऑफ सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शनिंग ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। Hence, it is proved that cell is the structural and functional unit of a living organism. अब जो बात आपके मन में आ रही होगी कि सेल की खोज कैसे हुई, इसका आविष्कार किसने किया, तो आइए जानते हैं। In the year 1665, Robert Hooke, using his primitive microscope, first observed thin slice of cork.
under the microscope, he observed honeycomb-like structure and he coined the term cell, which is derived from a Latin word cellula and it means a little room. Robert Hooke observed dead cells, as cork cells were derived from bark of a tree. In the year 1674, Anton von Leeuwenhoek, using his modified microscope, observed live cells in pond water for the first time. He also observed sperm cells of many organisms. यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि who first discovered cell, तो उसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक। पर अगर ये क्वेश्चन आए कि who discovered लाइफ सेल फर्स्ट, तो इसका आंसर होगा एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, क्योंकि जो रॉबर्ट हुक ने सेल्स देखे थे, कॉर्क सेल्स जो देखे थे वो डेड सेल्स थे, और एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने ही पहले लाइफ सेल्स को देखा था। As I have already told you that most of the cells are microscopic in size, we need instruments like compound microscope and electron microscope to see them because they are not visible through naked eyes. The smallest cell size ranges from 0.1 micrometer to 0.5 micrometer and 1 micrometer is equals to 1 by 10 to the power 6 meter or 1 by 10 to the power 4 centimeter. That is a very small size, hence we cannot see them through our unaided eyes. The largest cell on earth is ostrich egg, which is 170 millimeter by 130 millimeter in size. This cell can be viewed through our unaided eyes. One thing that you need to keep in mind is that the size of the cell is not dependent upon the size of the body of an organism. For example, the nerve cell, that is neuron, in elephant and rat will have branched and elongated structure and it will also perform the same function, that is transferring of messages. Hence, it is evident that the shape and size of cell depends upon the functioning of cell. We already discussed about the size of cell. Now we will be discussing about the shapes of cell. As you can see that I have drawn different types of cells which have different shapes. RBCs have spherical and biconcave structure and this kind of shape helps them to move easily through blood vessels. Smooth muscle cells have spindle-shaped structure, that is their end is pointed and the middle portion is broad. Here you can see a unicellular organism, that is amoeba. It is a single-celled organism and it doesn't have any fixed shape. It has a false feet known as pseudopodia. Using it, it can move from one place to another and it also helps them in capturing food. In the right-hand side of amoeba, we have nerve cell, which is also known as neuron. And we know that neuron have a branched and elongated structure and the function of nerve cell is to transfer messages. From these pictures, it is clearly visible that based on the functions of a cell, their shape also varies. Till now, we discussed about what is cell, who discovered cell, and shapes and size of cell. Let's discuss about the cell theory. Sladen in the year 1838 and Schwann in the year 1839 independently asserted that animals and plants are made up of tiny structures called cells. Their joint finding forms the basis of cell theory. In the year 1855, the cell theory is refined by Rudolf Virchow, where he presented the idea that all cells arise from pre-existing cells. And he quoted this line, omnis cellulae cellula, which means all cells arises from pre-existing cells. Here we can say that a cell divides to form daughter cell. In this way, from one cell we get many cells. In today's video, we discussed about what is cell, who discovered cell, shapes and size of cell, and about cell theory. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको मेरे फ्यूचर वीडियोस की अपडेट्स यूं ही मिलते रहे। तब तक
Keep learning and stay well. Thank you.